गाइस, आज मैं ये शेरवानी कटिंग करने जा रहा हूँ। आप लोग गौर से देखिए, अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। okay. तो इसका लेंथ है, फर्स्ट अपन क्या करेंगे, शोल्डर यहाँ से पकड़ेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे फुल लेंथ इसका 45 45 है, तो इसको अब चेस्ट कितना है 40 है, तो यहाँ पे तो एक पौने 11 पे निशान देंगे और एक निशान पौने 10 पे देंगे, मतलब 10 इंच से थोड़ा कम। ठीक है, उसके बाद ये वेस्ट वाला कमर वाला निशान 17 इंच पे देंगे, वेस्ट वाला निशान 17 इंच पे देंगे। ठीक है, उसके बाद पौने 2। ठीक है। उसके बाद इसको हम क्या करेंगे, ये स्केल की मदद से सीधा कर देंगे। ठीक है, अब देखिए ये हमारा बैक तो हम कट कर दिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, फर्स्ट ये निशान और ये निशान सीधा करेंगे। ठीक है, ये दो निशान को सीधा करेंगे, उसके बाद यहाँ से अपन नीचे गिरा देंगे 2.25, ये साइज के हिसाब से होता है, अगर ज़्यादा बड़ा साइज है तो थोड़ा नीचे गिरा दो। यहाँ पे गिरा क्या करेंगे, ये कितना है हमारा चेस्ट है 40, तो इसको 10.5 पे निकालेंगे। ठीक है, क्यों बोले तो इसमें पैड है ना, पैड है तो थोड़ा लूजिंग के लिए डालना जरूरी रहता है। ठीक है, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 मार्किन हो गया, और एक यहाँ पे, एक यहाँ डालेंगे, एक यहाँ डालेंगे। ठीक है, अब ये पूरे मार्किन को सीधे कर गया अपन। ठीक है, सीधा हो गया, और एक कहाँ और ये क्या करेंगे, फ्रंट से बैक को 1/2 इंच से लेके 1/4 इंच का थोड़ा नीचे करना है, यहाँ से सेम में। ठीक है, थोड़ा लेंथ में बड़ा रखना है, साइड को नहीं, ओनली स्ट्रेट में, सामने में। अब ये हो गया हमारा कंप्लीट। ठीक है, और 1/1 इंच का निशान डाल अब असल मार्किन तो अब दिखने को मिलता है आप लोग को। ये देखो फ्रंट का मार्किन कैसा डालेंगे, ये कितना है 1/11 है, तो 1/11 पे रखिए, इसका कितना है 40। ठीक है, दस डालने के बाद उसके बाद फिर यहाँ पे 1.5 इंच डालेंगे, क्योंकि शेरवानी है, इसमें थोड़ा लूज होना भी ज़रूरी है, अगर टाइट हो गया तो बहुत मुश्किल होता, या पहनने करने में ज़्यादा मुश्किल हो जाता। वेस्ट कितना है 36, तो इसको हम 1.5 इंच डालेंगे। अब ये क्या करेंगे, अब ये शोल्डर ये फ्रंट वाला पार्ट है, तो इसको 19 है, तो 19 पे ही हम निशान डाल देंगे। ठीक है,
और क्या करेंगे इसका आधा भाग करेंगे, आधा करके। और मैं ये पर्सनल मैं ऐसा करता हूँ, इसको थोड़ा सा मेरे तरफ खींच लेता हूँ, हाफ इंच से ज़्यादा, ठीक है, ये ऐसा कर लेता। उसके बाद यहाँ से ये 2.25 पे तो है, इसको हम थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, अढ़ाई से थोड़ा नीचे, ठीक है। ये मिशन हो गया हमारा रेडी, ठीक है। उसके बाद ये सेब डालेंगे, नॉर्मली फर्स्ट नॉर्मली अपन क्या करेंगे, यहाँ से 3, 3.5, 4 इंच तक भी ले सकते हैं, अंदर अपने ऊपर है क्योंकि ये शेरवानी है, ठीक है। लेकिन एक बार बॉडी देखना पड़ता है, बॉडी देखना जरूरी है कि कैसा है उनका बॉडी, उसके हिसाब से लेना पड़ता है। उसके बाद ये मार्किंग डाल दिए, ठीक है। उसके बाद पूरा वीडियो अच्छा से देखोगे तो कंपलसरी ये कटिंग करने के लिए आपको फुल सीख जाओगे, ठीक है। और अरे अब देखिए, इसको बैक को ऐसा सेव रखे, फ्रंट को ऐसा सेव रखना है, ठीक है। ये निशान अपन डाल दिए, ठीक। उसके बाद ये बैग है हमारा, इसको उठा लीजिए, ठीक है। इसको रख के ये पॉइंट से यहाँ तक निशान देख लीजिए, कहाँ पे आ रहा है वहाँ पे डाल दीजिए, ये हमारा यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ऐसा एग्जिट आ रहा, ठीक। अब इसको हम इसके मदद से निशान डाल देंगे, आ गया ना। बस ये हमारा कटिंग कंप्लीट हो गया, मार्किंग। अब हम इसको कटिंग कर देंगे, ठीक है। ये हमारा कटिंग कंप्लीट हो गया, इसको अब हम मार्किंग कर देंगे।